यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या शॉर्ट नाम है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पेपर में आता है, बोर्ड के अंदर तो स्टार्टिंग क्वेश्चन ही यहाँ से होता है, YD एक्सपेरिमेंट के ऊपर तो पक्का क्वेश्चन आएगा, YDSE ऑब्जेक्टिव नीट और मेन में भी आएगा। रूल मैंने बता दिया, दो सोर्सेज हैं, लाइट आएगी इंटरफेयर करेगी, कहीं पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरेगा, ट्रफ ट्रफ पे तो मैक्सिमा, कहीं क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा तो मिनिमा। तो आपका एक्चुअल में ये तो हमारी विजुलाइजेशन है, स्क्रीन के ऊपर तो ऐसा डायग्राम बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसा बनेगा। अब क्योंकि YDSE में कोहरेंट सोर्स चाहिए थे, आइडेंटिकल सोर्स चाहिए थे, आइडेंटिकल सोर्स बनते नहीं है, ये भी मैंने बताया था। तो यंग्स ने क्या किया, उसने एग्जैक्टली दो सोर्स ले लिए, ये वाले, लेकिन दो बल्ब तो ले नहीं सकता था, आइडेंटिकल नहीं होते, उसने एक ही बल्ब लिया, बस एक ही बल्ब लिया, आगे कार्डबोर्ड रख दिया अंधेरे, और दो पिन मार के इसमें से ओपनिंग कर दी। अब ये इक्विडिस्टेंट है, जितनी लाइट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, जो ये है वो ये आइडेंटिकल है, लाइट आइडेंटिकल है, तो यहां से जो लाइट निकलेगी यहां से बिल्कुल आइडेंटिकल है, अपने आप ही सोर्स क्या बन गए, कोहरेंट। दो अलग अलग बल्ब नहीं लिए, बल्ब एक ही लिया लेकिन सोर्स एक ही लिया, लेकिन आगे स्लिट लगा के उसको दो सोर्स बना दिया, इसीलिए एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट, दो स्लिट्स का एक्सपेरिमेंट है। ठीक हो गया यहां तक, ये डायग्राम मैंने अलग अलग बनाए लेकिन इसमें इकट्ठे दिख रहे हैं, आपको पता है। और प्रैक्टिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर लाइट, लेजर लाइट पे एक्सपेरिमेंट देखा जाता है, तो अगेन वही सोर्स है, इंटरफेरेंस है, तो पैटर्न ऐसा बनेगा, बहुत ब्राइटनेस है, बहुत डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, हमने जो कंडीशन बनाई है वो इनकी बनाई है, इसकी नहीं बनाई, और भी कई पॉइंट्स आते हैं जब पूरी तरह डार्कनेस पूरी तरह ब्राइटनेस नहीं है, हम इसको स्टडी नहीं करते, प्योर डार्कनेस प्योर ब्राइटनेस को ही करते हैं। तो आपकी थ्योरी जो स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है कि कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वैसे तो बना के आए हैं, बट किताबी लैंग्वेज में देख लेते हैं, दो इक्वेशन हैं, दो स्लिट्स में से निकल रही हैं, पहली वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी और दूसरे की बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब समझ में आ रहा है इक्वेशन ऐसी क्यों ली, अब इसके अंदर एम्पलीट्यूड कोहरेंट सोर्स में तो बराबर होते हैं ए एंड ए, पर यहाँ पर क्या लिया ए एंड बी, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड ले लिए, डिफरेंट एम्पलीट्यूड ले लिए इसमें ए एंड बी, ताकि अगर क्वेश्चन डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे आए तो भी कैसे सॉल्व करना है आपको पता हो, अगर सेम एम्पलीट्यूड है एंड में ए और ए तो पुट कर ही देंगे, तो दो ये आपके पास वाई वन वाई टू की वैल्यू है। हम क्या कर रहे हैं, सुपर पोजिशन कर रहे हैं, सुपर पोजिशन में दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और नई वेव निकालेंगे, सुपर पोजिशन कर दी, फर्स्ट और सेकेंड वेव को ऐड कर दिया, आगे की कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी आपने पेपर में, एक लाइन में करना है, हमने ए सी किया हुआ है, ए सी में अगर दो इक्वेशन हैं, इसका एम्पलीट्यूड ए है इसका बी है और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है फाइव और ये दोनों वेक्टर हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सीधा रिजल्टेंट लिखें, क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर सकते हैं, सीधा लिखें आफ्टर सुपर पोजिशन वी गेट एम्पलीट्यूड टू बी दिस। तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, दोनों वेव्स को मिला के नया एम्पलीट्यूड इसके इक्वल आ गया। अब मेरे को पता है ये एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो मुझे पता है, आर की वैल्यू को यहां पुट किया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस फाइव, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, यहां तक क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बात बताओ ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम करने के लिए कॉस फाई की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करनी पड़ेगी जो कि क्या होती है मैथ्स में वन, तो अगर ये वन हो जाए तो इंटेंसिटी मैक्स आ जाएगी, मैक्स का मतलब कंस्ट्रक्टिव है। कॉस फाई मैथ्स में वन कब होता है, मेडिकल के लोग समझ लें, जब एंगल जीरो टू पाई फोर पाई होता है या इन जनरल टू एन पाई, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, अगर फेज डिफरेंस दो वेव में क्या आएगा टू एन पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, पर मैंने किसी और तरीके से कराया, इसने मैथ से कर दिया, और पाथ डिफरेंस की लंबा करने की जरूरत नहीं है, अपने मन में टू पाई की जगह लैम्डा पुट कर दो तो पाथ डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या जाएगा एन लैम्डा, तो हमने ऑलरेडी कर ली कंडीशन। ऐसी कंडीशन वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाइव मिनिमम होना चाहिए, माइनस वन होता है मैथ्स में, माइनस वन मैथ्स में कब आता है जब एंगल क्या होता है पाए थ्री पाए फाइव पाए, या यहां पर क्या पुट करेंगे टू एन माइनस वन इंटू पाए, ये भी हमने कर ली कंडीशन।
और पाथ रेफरेंस निकालने के लिए पाई की जगह लैम्डा बाई टू ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा लैम्डा बाई टू। तो कंडीशंस आ गई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जो ऑलरेडी हमने क्यों हुई है। अब मुझे पता है स्पेशल केस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाइव मैक्सिमम वन है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कॉस फाइव की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या देगा, ए प्लस बी। बिल्कुल सही है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। क्यों? अगर एक क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी क्रेस्ट का भी बी है और एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का मैक्स का स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू को पुट किया और कॉन्स्टेंट के लगा दिया तो दिस इज आई मैक्स। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की जगह माइनस वन, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्यों क्या आएगी, मिनिमम आएगी ए माइनस बी। ये आर मिनिमम है, आई मिनिमम क्या होगा, आर मिनिमम का स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आ गई, मिनिमम इंटेंसिटी आ गई, आई मैक्स आ गया, आई मिनिमम आ गया। अगर हम इन्हें दोनों को डिवाइड कर दें आई मैक्स आई एंड आई मिनिमम तो ये रेशियो आ गई आई मैक्स आई मिनिमम की। अब इसमें अगर मान लो ए और बी दोनों बराबर है, और अगर ए और बी बराबर है तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, टू ए, और आर मिनिमम क्या है, ए माइनस बी, कैंसिल हो गया, आर मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंटेंसिटी उस केस में भी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो का मतलब वहां पर कोई लाइट नहीं गिरेगी, वहां पर बैंड परफेक्टली क्या होंगे, डार्क होंगे। क्लियर है यहां तक? अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है ना, आर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस फाई का स्क्वायर किया। अब मुझे पता है अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी पहले की आई वन है तो आई वन प्रपोर्शनल टू ए स्क्वायर कर लें, और ऐसी सेकेंड लाइट की इंटेंसिटी आई टू है बी स्क्वायर कर लें। यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से लिखेंगे I1 is some constant k into a square, और यहां से क्या लिखेंगे I2 is equal to k into b square, ऐसा कर सकते हैं। अब मेरे को एक चीज पता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a square b square 2 a b cos of phi r, और यहां पे ये भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो के टाइम्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, आई आर डिवाइडेड बाई के, ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, आई वन डिवाइडेड बाई के, बी स्क्वायर की जगह आई टू डिवाइडेड बाई के, ए की जगह अंडर रूट ऑफ आई वन बाई के, बी की जगह अंडर रूट ऑफ आई टू बाई के इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो यहां से के कैंसल, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो हमारे पास एक होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, एक होगी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एक हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी आई वन प्लस आई टू टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव। ठीक है यहां पर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, फॉर्मूला बुकलेट में आपने कुछ नोट किया, कुछ नोट करना है। पहला फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या किया, कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी इसमें, n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2n माइनस वन इंटू
और पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। फिर हमने किया जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाई। ठीक, नेक्स्ट क्या किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज i1 i2 टू रूट i1 i2 कॉस ऑफ फाई। ठीक, नेक्स्ट है, अगर मान लो कोरेंट सोर्स हैं और इंटेंसिटी दोनों की बराबर है i1 i2 i0 है, तो अगर मैं यहां पर पुट करूं तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू i0 i0 टू रूट i0 i0 कॉस ऑफ फाई। तो यहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, 2i0 + i0 कॉस ऑफ फाई। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी 2i0 1 + cos φ। कई बुक्स तो इसको फॉर्मूला ही मानती हैं, पर मैं एक और स्टेप करूंगा, मैथ्स के अंदर इसको लिख सकते हैं 2 cos² φ/2, मैथ्स में ये लिखा जाता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4i0 cos² φ/2। काफी बार तो मैं यही यूज करूंगा, लेकिन ये तब यूज करना है जब इंटेंसिटी दोनों लाइट की एकदम सेम है, तब यूज करना है, नहीं तो फिर वही यूज करना है i1 i2 वाला। और एक फॉर्मूला किया आई मैक्स बाय आई मिनिमम का, क्या फॉर्मूला है, a + b / a - b का होल स्क्वायर।